25 जुलाई से सैन डिएगो कॉमिक कॉन शुरू हुआ। बेसिकली यह दुनिया के कॉमिक बुक फैंस के लिए साल का सबसे बड़ा इवेंट है। फिल्म स्टूडियोज अपने नए प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, आने वाली सुपर हीरो फिल्मों और सीरीज के ट्रेलर लॉन्च करते हैं। मार्वल ने इस कॉमिक कॉन में ऐसी घोषणा कर डाली जिसकी उम्मीद MCU फैंस ने नहीं की थी। आयरन मैन और रॉबर्ट डॉनी जूनियर की फिर से इस यूनिवर्स में वापसी हो रही है। इस खबर से फैंस खुश भी हैं और निराश भी। एवेंजर एंड गेम में आयरन की मौत हो गई थी, इसी किरदार ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी थी। उनकी मौत के बाद फैंस ने खूब थ्योरी चलाई, कहा कि किसी तरह फिर से रॉबर्ट डोनी जूनियर को वापस लाना चाहिए, जबकि मार्वल के बॉस केविन फैंगी पहले ही कह चुके हैं कि वह उस पल को छेड़ना नहीं चाहते। अगर रॉबर्ट वाले आयरन मैन को वापस लाते हैं तो फैंस को बुरा लगेगा। पूरी फैन सर्विस करते हुए केविन रॉबर्ट डोनी को वापस ले आए हैं, लेकिन आयरन मैन के रोल में नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रोल में। आयरन मैन के प्रीतिया एक विलन है। केविन फाइंगी ने सिर्फ रॉबर्ट डाउनी की वापसी नहीं करवाई, एवेंजर सीरीज के लिए एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके रूसो ब्रदर्स भी फिर से मार्वल कैंप में लौट रहे हैं। वह एवेंजर डूम्सडे नाम की फिल्म बना रहे हैं। रॉबर्ट डाउनी का किरदार डॉक्टर डूम इसी फिल्म में नजर आएंगे। डूम फैंटास्टिक फोर का विलन भी है, मार्वल उन पर भी फिल्म बना रहा है। अभी यह पक्का नहीं है कि डाउनी उस फिल्म में भी नजर आएंगे या नहीं। डाउनी की वापसी की खबर ने इंटरनेट को तोड़ के रख दिया है, मगर वो फैन के फेवरेट किरदार में नहीं लौट रहे हैं। इस वजह से कट्टर आयरन मैन फैन इस खबर से खुश नहीं है। कुछ लोग इस बात पर सवाल भी उठा रहे थे कि एक ही एक्टर को हीरो और विलन कैसे बना दिया। मार्वल पहले ही मल्टीवर्स के दरवाजे खोल चुका है, मुमकिन है कि डाउनी वाला डॉक्टर डूम किसी दूसरे यूनिवर्स का हिस्सा होगा। बता दें कि रॉबर्ट डाउनी ने ओपेनहाइमर के लिए ऑस्कर जीता था। उसके बाद स्क्वायर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या वह फिर से मार्वल यूनिवर्स में लौटेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि वह जरूर आना चाहेंगे। बाकी उनका कहना था कि आप केविन फैंगी के खिलाफ शर्त नहीं लगा सकते, वह जो चाहता है वैसा ही होता है। फैंगी ने अपनी बात रख ली और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे एक्टर को फिर से इस यूनिवर्स में ले आए।